This conference will now be recorded. हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स सीरीज के अंदर। उस सेशन में आज हम लोग अगेन इनकम टैक्स का एक बार रिकैप करेंगे एंड देन आफ्टर डेट हम अपने आज नेक्स्ट सेक्शन 5 को पिक करेंगे। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने सीखा था इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जिसको हम लोग टैक्स लो के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमने सीखा था कि बेसिकली इंडिया में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हमने सीखा था डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन हम दूसरे पर शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसका बर्डन हम दूसरे पर शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स में हमने इनकम टैक्स सीखा था और इनडायरेक्ट टैक्स में हमने जीएसटी और कस्टम ड्यूटी सीखा। हमने ये भी जाना था डायरेक्ट टैक्स किसी प्रोडक्ट पर चार्ज होता है और इनडायरेक्ट टैक्स किसी पर्सन पर चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस था जो हमें सीखना था कि गवर्नमेंट जो इनकम करती है वो किस रूप में करती है। हमने बताया था कि इनकम दो रूप में होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में। साथ साथ कई सारी चीजें ये भी बोली गई थी कि अगर डायरेक्ट टैक्स लगा है तो इसके लगने से इसको मेंटेन करने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स की कम कॉस्ट होती है। तो डायरेक्ट टैक्स का जो मेन पर्पस होता है वो सोशलिस्ट इकोनॉमिक को बेनिफिट देने के लिए होता है, ताकि अमीर डे बाय डे अमीर ना बने और गरीब डे बाय डे गरीब ना बने। ठीक है, इसके साथ साथ हमने कई सारी चीजें भी डिस्कस करी थी, जैसे लाइक टैक्स लो के साथ हमने सीखा था कि अगर हम जो ये डायरेक्ट टैक्स पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर हम इसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं या फिर हम टैक्स लो बोलते हैं। इसके अंदर हमें कई सारी चीज सीखनी है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1962, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, कैश फ्लो एंड डिस्कशन। साथ साथ हमने सीखा भी था कि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट सीखना चाहते हो तो वो बोलता है कि व्हाट टू डू, मैं क्या करूँ। इनकम टैक्स एक्ट 1962 बोलता है हाउ टू डू, कैसे करना है मैं बताऊंगा। सर्कुलर मतलब होता है किसी चीज के अंदर कोई चीज जब अपडेट आती है तो उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं, कई बार नोटिफिकेशन आ जाती है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि एक वर्ड के कई दो दो मीनिंग निकलने, मैं कुछ और समझ रहा हूँ और आप कुछ और समझ रहे, तो उसको गवर्नमेंट एक्सप्लेन करने के लिए कई बार एक्सप्लेनेशन भी निकालती है। तो ये सारी चीजें हमने कवर की थी, साथ साथ हमने सीखा था जो इनकम टैक्स एक्ट है बेसिकली एसएससी के फेवर के लिए बनाया गया, ना कि डिपार्टमेंट के फेवर के लिए बनाया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई थी कि इनकम टैक्स कभी भी सिटीजन बेस पर नहीं लगता, इनकम टैक्स हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटस बेस पर लगता है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होते हैं, इसके लिए भी हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि रेजिडेंशियल स्टेटस तीन तरह के होते हैं। पहला होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरओआर बोलते हैं। फिर हमने सीखा था रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे हम आरएनओआर बोलते हैं। और लास्ट होता है हमारा नॉट रेजिडेंट, जिसे हम बोलते हैं एनआर। ठीक है, ये हमारा हो जाने के बाद हमने लास्ट टाइम अपना पहला सेक्शन कवर करा, जिसके अंदर हमने सेक्शन वन शॉर्ट टाइटल एंड कमिसमेंट के बारे में सीखा था कि जो इनकम टैक्स का नाम है ना उसे रखने के लिए भी एक सेक्शन बनाया गया, जिसे बोला गया शॉर्ट टाइटल एंड कमिसमेंट। इसके अंदर होता है दिस इज अ इनकम टैक्स एक्ट एंड अप्लाई, दिस इज अ इनकम टैक्स एक्ट 1961, अप्लाई एप्लीकेबल फ्रॉम 1962 एंड इक्वली अप्लाईज थ्रू इट इंडिया। ठीक है, ये पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया गया था 1962 में। हमने ये अपने सेशन पहले सेशन में कवर कर लिया था। जब हम दूसरा सेशन लेके आए थे तो उसमें हमने आपको पर्सन की डेफिनेशन बताई थी, आपको याद होगा। ये आपको ग्राफ मैंने समझाया था कि एक एसएससी टैक्स को पे करता है, फिर रिटर्न फाइल करता है, टैक्स की कलेक्शन होती है और वो कलेक्शन रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री को चली जाती है। उसके बाद उन्हीं मनी से लोग फैसिलिटीज जैसे फ्लाईओवर, हॉस्पिटल और स्कूल बनाकर हमें अल्टीमेट हमें ही बेनिफिट देते हैं। यही इनकम टैक्स का मेन पर्पस। उसके बाद जो हमारा कल का सेशन था, उस सेशन में हम लोगों ने अपने 7 टाइप ऑफ पर्सन के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने 7 तरह के लोगों को डिस्कस करना था, जिसमें हमारा पहले थे सेक्शन 2 सब सेक्शन क्लोज 31 के अंदर। आपको याद होगा तो मैंने आपको सेक्शन 2 बताया था, जिसके अंदर डेफिनेशन होती है सारी, और इस डेफिनेशन को किसके अंदर रखा गया, पर्सन की सेक्शन 2 क्लॉज 31 के, जिसे हम पर्सन कैन बी कैटेगराइज्ड एज इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी।
मैंने कल आपको ये बताया था कि इंडिविजुअल, अगर कोई बंदा इंडिविजुअल के कोई भी काम करता है उसे हम इंडिविजुअल कहते हैं, लेकिन कोई एक फैमिली का जो करता होता है, वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। मतलब वो ज्वाइंट फैमिली के नाम से कमाता है और गवर्नमेंट को टैक्स देता है। इसके साथ साथ हमने कई सारी चीजें इसके अंदर सीखी थी, जिसके अंदर सबसे पहले था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर मुस्लिम और क्रिश्चियन को इंक्लूड नहीं किया जाता, बट इसके अंदर सिख और जैन को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर है? साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि इसके अंदर एक ज्वाइंट फैमिली, जैसे ये मदर एंड फादर है, इसके अंदर अभी दो चाइल्ड हैं इसके, अभी ज्वाइंट, अगर ये ज्वाइंट होकर काम कर रहे हैं तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाएगी, लेकिन इन फ्यूचर ये अलग हो जाते हैं या चिल्ड्रन वन अपना पार्टीशन कर लेता है, तो चिल्ड्रन वन की एक फैमिली हो जाएगी और जो है इसकी मदर एंड फादर चिल्ड्रन टू की एक फैमिली हो जाएगी, तो दो दो फैमिली बन जाएंगे। फिलहाल अभी ये लॉन्ग HUF है। इसके बाद हमने सीखा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दो तरह का होता है, एक मिताक्षरा संप्रदाय होता है और एक दयाभाग संप्रदाय होता है। मिताक्षरा संप्रदाय का मतलब होता है कि जब बच्चा पैदा होगा उसके तुरंत बाद ही वो पार्टीशन के लिए कॉल कर सकता है, लेकिन दयाभाग संप्रदाय में क्या होता है, जब तक फादर की डेथ नहीं हो जाती है, जो कंपनी के जो फैमिली के हेड है उनकी डेथ नहीं हो जाती, उसके बाद ही सन उनको पार्टीशन के लिए कॉल कर सकता है। दयाभाग संप्रदाय का ओनली फॉर वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होता है, सम पार्ट में, सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑल इंडिया के अंदर आपका मिताक्षरा संप्रदाय कहते हैं। उसके बाद हमने एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में जाना था कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती और वो कोई बिजनेस को स्टार्ट करती तो उसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। अगर कई सारे इंडिविजुअल किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाता है, लेकिन जब कई इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, कंपनी मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके बाद हमने सीखा था पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में मतलब कई सारे लोग मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। इसके अंदर मैंने बताया था कि हम इसके अंदर इंक्लूड है LLP। LLP मतलब तो लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि अगर आपको लॉस हो जाएगा कंपनी का तो आपके पर्सनल असेट्स भी बेच के कंपनी को पैसा चुकाना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म में क्या होता है कि आपको एक लिमिट तक ही पैसा देना है, वो आपके पर्सनल असेट्स को छू नहीं सकते। तो हमारे कवर हो गया इंडिविजुअल, हो गया HUF, हो गया पार्टनरशिप फर्म, हो गया AOP, हो गया और BOI हो गया। इसके बाद आती है कंपनी। कंपनी का मीनिंग मैंने बताया, जब कोई प्राइवेट लिमिटेड कम या पब्लिक लिमिटेड कंपनी किसी बिजनेस को स्टार्ट करती है और वो कुछ अर्न करती है तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैंने बताया था अगर आप भगवान के नाम पर कुछ भी कमाते हैं तो गवर्नमेंट उस पर भी आपका टैक्स चार्ज कर लेती है। एंड लास्ट था हमारा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, जैसे जल बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ये ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट है और वो अर्न करता है तो गवर्नमेंट उस पर भी टैक्स चार्ज करती है। तो ये हमारे पास सेवन सेवन टाइप ऑफ पर्सन, जैसे इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। इसे सेक्शन 2 क्लॉज 31 के अंदर कवर किया गया है। इसके बाद हमने सीखा था फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, जिसको सेक्शन 3 के अंदर हमने बताया था आपको। जैसे पहला प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न एंड विच एंड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें आप कमाते हैं, वो आपका प्रीवियस ईयर कहलाता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है 31 मार्च को बंद हो जाता है, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। कैलेंडर ईयर वो होता है जो 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को बंद हो जाता है, ठीक है ना। 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को बंद हो जाता है, वो हमारा कैलेंडर ईयर कहते हैं। जो हम लोग 1 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं और 31 मार्च को जो बंद हो जाता है उसे हम कैलेंडर ईयर कहते हैं। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो होता है जिस साल आप आगे काम कर रहे, जैसे प्रीवियस ईयर में काम कर रहे ये तो आपका प्रीवियस ईयर कहलाएगा, जो उसके नेक्स्ट ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ कंट्रोल एन करके एक नई शीट को ऑन कर लिया, न्यू, और यहाँ से एक शीट को ऑन कर लिया, शीट ऑन होगी। इसके बाद मैं शीट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। सपोज
मैंने फाइनेंशियल ईयर 19, ये भी 18 19 चल रहा, 18 19 के अंदर 2 लाख रुपए कमाए। अब इसका टैक्स मुझे कब भरना होगा? असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 19 20 में, ठीक है। ये हमारा कहलाता है जिससे पहले हमने काम करा, ये हमारा प्रीवियस ईयर कहलाता है जिसमें हमने अर्न करा, जिसमें हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है। क्लियर? ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया और ये हमारा असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है। हम असेसमेंट ईयर के अंदर हम टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो इस वाले के लिए असेसमेंट बन जाएगी, तो अब बन जाएगा प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए, और जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो आपका असेसमेंट ईयर बन जाएगा 2021, ठीक है। फिर अब जो भी 19 20 का टैक्स है वो इसमें वो पे करेगा, ठीक है। फिर ये इसके लिए प्रीवियस ईयर बन जाएगा जो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो ऐसे ही डे बाय डे काम को चलता रहता है, 21 से 22 22 से, मतलब आप जिस साल कमाते हैं उसके जो नेक्स्ट ईयर होता है वो आपका असेसमेंट ईयर होता है, और प्रीवियस ईयर वो होता है जिस साल आपने अर्न किया। गवर्नमेंट उस साल आपसे टैक्स लेने नहीं आती, लेकिन लेकिन आप जो नेक्स्ट ईयर आता है उसमें गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करती है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर था और आपका और प्रीवियस ईयर कैलेंडर ईयर, ये चार चीजें मैंने बता दी। इसको सेक्शन 3 के अंदर गवर्नमेंट ने रखा है। एंड लास्ट जो हमारा सेक्शन था वो सेक्शन 4 था, जिसके अंदर हमने हेड्स ऑफ इनकम सीखी, जैसे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। एक बंदा इन्हीं चीजों से इनकम करता है, सैलरी हो या हाउस प्रॉपर्टी हो, बिजनेस और प्रोफेशन हो, या फिर कैपिटल गेन हो, या फिर अदर सोर्स इनकम। इसके बाद हमने सीखा था कि कंप्यूटेशनल प्रोसेस क्या होता है। अगर किसी को सैलरी कैलकुलेट करनी है तो वो किस बिहाफ से करता है? सबसे पहले सैलरी आती है, फिर हाउस प्रॉपर्टी आती है, फिर बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब कोई बिजनेस करके आप कमाते हो वो, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज इनकम। इनको जोड़ने के बाद जो भी इनकम आएगी उसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल सैलरी। इसके अंदर से माइनस हो जाता है, इसके अंदर प्लस हो जाता है क्लब ऑफ इनकम, ठीक है। लेस सेट ऑफ लॉस, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A ऑफ एक्ट, जिसे हम 80C की डिडक्शन भी बोलते हैं। इसमें से माइनस हो जाता है पुराने साल का लॉस, माइनस हो जाता है 80C की डिडक्शन सारी, 80C से लेके 80U तक की। उसके बाद हमारी जाती है नेट टैक्सेबल इनकम, जिसमें हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। इसमें से माइनस हो जाती है रिबेट, इसमें से माइनस हो जाता था प्रीपेड टैक्स, और माइनस हो जाता है TDS। उसके बाद जो भी हमारी फिगर आती है वो कहलाती है टैक्स पेबल या फिर रिफंड। ये जो आपका चार्ट, ये चार्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आगे चल के जितनी भी क्लासेस होंगी इनके बेसिस पर सीखना। जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म होगा मैं आपको सैलरी पढ़ाऊंगा, सैलरी फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा तो बिजनेस और प्रोफेशन पढ़ाऊंगा, ये फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको कैपिटल गेन पढ़ाऊंगा, कैपिटल गेन फिनिश हो जाएगा तो अदर सोर्सेस। उसके बाद सेट ऑफ लॉस, डिडक्शन, रिबेट, प्रीपेड एक्सपेंस, TDS, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सिक्वेंसली। चलिए अब हम आगे आते हैं। इसके बाद हमने सेक्शन, ये तो 4 हमारा लास्ट टाइम कवर हो गया था, फिर हम जाते जाते हमने आपको बस सेक्शन 5 बताया, जिसमें हमने सीखा था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होती है? जैसे अब कोई इंडियन पर्सन है या इंडियन सिटीजन है और अमेरिका जाके काम करता है, और वो आपसे पूछता है मैं इंडिया में जॉब करता हूँ क्या मेरे ऊपर टैक्स लगेगा? अब अमेरिका का कोई पर्सन आता है और कहता है कि सर मैं इंडिया में कमाता हूँ क्या मेरे ऊपर टैक्स लगेगा? इंडिया का पर्सन कहता है कि सर मेरी प्रॉपर्टी अमेरिका में, क्या उस पर टैक्स लगेगा? एक अमेरिका का पर्सन आता है कहता है सर मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में, क्या टैक्स लगेगा? जब ऐसी कई सारी चीजें आपके कोई आके पूछे तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई सैलरी के बारे में बोलेगा तो आप सैलरी चैप्टर को खोलने लगोगे। नहीं, आज आपको मैं एक चीज सिखा दूंगा तो उसके बाद आपको कभी भी करने की जरूरत नहीं है कि वो इनकम मेरी इंडिया की है या आउटसाइड इंडिया, उस पर टैक्स चार्ज होगा या नहीं होगा। तो सेक्शन को कवर किया गया है सेक्शन 5, जिसे हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? जिसे हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इसमें हमने 2 पार्टों में बांटा है, पहला है इन इंडिया और दूसरा है हमारा आउटसाइड इंडिया। अगर आप कोई इनकम इंडिया से अर्न करेंगे तो उसका टैक्स इंडियन के बिहाफ से, और जो अदर आउटसाइड ऑफ इंडिया है उसका टैक्स कैसे होगा ये मैं आपको भी समझाता हूँ। सबसे पहले हमने 3 तरह की कैटेगरी में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा, पहला ROR, दूसरा INOR और तीसरा आपका NR। क्लियर? लिखा हुआ है इन इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया।
अगर कोई इनकम इंडिया से बनती है या हमें मिलती है, ठीक है, और यह लिखा डीम, ठीक है ना, एक्रू हो गई, ठीक है, मतलब लेने के लिए रेडी हो गई या मिल गई, तो भी आपका टैक्स तीनों केसेस में चार्ज होगा, या डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, मुझे मिली नहीं है लेकिन मिल जाएगी, उस केस में भी आपका तीनों पर टैक्स चार्ज होगा। जैसे इस जो लाइन है ना, डीम टू एक्रू और अराइज, इसको हम लोग नेक्स्ट जो सेशन आएगा आपका सेक्शन 7, उसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है, तो आपको याद रखना सेक्शन 7 के अंदर हम इसको कवर करेंगे, इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया, ठीक है। इनकम मिल गई, ठीक है, ये मिलने वाली है, या अभी मिली नहीं बट मैंने मान लिया कि वो मुझे मिल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं डीम। डीम मतलब होता है मानना, मिल गई, ठीक है। जैसे आपने प्रीपेड एक्सपेंस वो सुना होगा, प्रोविडेंट फंड, वो आपको मिलता तो नहीं है लेकिन हम वो बेसिकली वो आपकी इनकम का पार्ट है, क्लियर, इसलिए उसको कवर किया गया डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। दूसरा होता है इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव, इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड, इसको हम लोग सेक्शन 9 के अंदर कवर करेंगे, बट एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ छोटा सा आपको। अब एक इंडियन पर्सन है, वो दूसरी कंट्री के अंदर जाकर जॉब करता है, ठीक है, उसका जो भी मतलब ओनर होता है वो भी आउटसाइड ऑफ इंडिया होता है, और उसका जो भी एम्प्लॉयर है वो भी आउटसाइड ऑफ इंडिया होता है, बट उसकी इंडिया में उसकी फैमिली रहती है, ठीक है। जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज होते हैं, यहाँ से कोई जॉब करने जाता है आउटसाइड इंडिया, उसका बस फैमिली यहाँ रहती है, बाकी सब लोग इंडिया आउटसाइड इंडिया ही काम कर रहे थे, उसका एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय भी। अब होता क्या है कि जो भी उसका एम्प्लॉयर उसको पैसा देगा एम्प्लॉय को, क्लियर है, वो तो अमेरिका में देगा, क्या देगा, वो अमेरिका में देगा। सपोज करो मिस्टर ए को एक सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। अब वो क्या करता है, अपने ओनर जो मिस्टर बी है उनको कहता है, उनसे 1 लाख रुपए लेता है, और नेक्स्ट डे जाकर वो बैंक में 50,000 रुपए अपनी फैमिली के अकाउंट में टाइप करता है। तो क्या ये इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इंडिया, उसने अपने पैसे को 1 लाख रुपए को 50,000 रुपए अपने इंडियन बैंक में अपनी फैमिली के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, क्या ये इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, डीम टू बी रिसीव है क्योंकि ये इंडिया में पैसे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, हमें इनकम रिसीव हो रही। नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि इनकम वो ट्रांसफर कर रहा है, जस्ट लाइक क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा केस समझाऊं, मिस्टर ए को 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, ठीक है, उसमें से वो अपनी ओनर जो मिस्टर बी हैं उनको ही कहते हैं कि सर जो सैलरी आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हैं, वो 1 लाख रुपए ना देके 50,000 रुपए मेरे को दो और 50,000 रुपए मेरी फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये जो इसने डायरेक्ट 50,000 रुपीज आपको दिए और 50,000 रुपीज आपकी फैमिली को ट्रांसफर कर दी, ये कहलाता है इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव। इसके अंदर वो खाली पैसे को ट्रांसफर कर रहा था, उसको पैसा खुद मिला और उसने नेक्स्ट डे उस पैसे को क्या बैंक के जरिए अपने अकाउंट में, अपनी अपने फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ लिखा इनकम रिसीव्ड, इनकम दो एक बार रिसीव होती ना कि दो बार, इसमें इनकम इसको रिसीव्ड हो गई। इस केस में कहता है इसको इनकम रिसीव हुई लेकिन 50,000 रुपए और 50,000 रुपए इसकी फैमिली को रिसीव हुई, इसलिए इसमें बोला गया इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड, क्लियर है, इनकम रिसीव होना या इनकम का मिलना, ठीक है, ये दोनों को कवर किया गया है। याद रखना ये पहला केस कवर नहीं होगा, दूसरा केस ही कवर होगा, क्योंकि इनकम एक बार रिसीव होती है ना कि दो बार, ठीक है, इसलिए इसको इसके अंदर कवर किया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू टू आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट बिजनेस इज कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। लिखा हुआ है कि इनकम का मिलना या इनकम का अराइज होना, बट किन कंडीशन पे, जिससे मेरा बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया सेटअप है। मैं अमेरिका जॉब करता हूँ, ठीक है, मेरा लेकिन मेरा बिजनेस जो भी है वो इंडिया में सेटल है, उससे जो भी इनकम मुझे होगी, ठीक है, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। आरओआर के केस में
आरओआर के केस में टैक्स चार्ज हो जाएगा, एनओआर के टैक्स में टैक्स चार्ज हो जाएगा, लेकिन एनआर के केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब अमेरिका का बंदा अमेरिका में ही कमाए तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, लेकिन क्लियर है यहाँ लिखा है बिजनेस इज कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। बिजनेस का कंट्रोल होना या आपका जो प्रोफेशन है वो आपका इंडिया में ही सेटअप है, तो उस केस में आरओआर और एनआर के केस में दोनों में टैक्स चार्ज होगा। इसके बाद एनी अदर इनकम, अगर आपको कोई दूसरी इनकम मिलती है तो वो पहले केस में चार्ज होगी, बाकी दोनों केस में चार्ज नहीं होगी। इसे हम बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इन इंडिया अगर आपको कोई इनकम मिलने वाली है इंडिया के जरिए, ठीक है, जैसे आप इंडिया में, हमारी कंपनी इंडिया में है और आप भी इंडिया के हो, मैं आपको दूसरी कंट्री में जाके क्या करता हूँ कि आप दूसरी कंपनी में, कंट्री में चले जाओ और वहां काम करो, उसका पैसा मैं आपको दूंगा। जस्ट लाइक मेरी कंपनी है, ठीक है, मल्टीनेशनल, मैंने आपको दूसरी कंट्री में भेज दी और मैंने कहा आप वहां वर्क कीजिए, मैं आपको सैलरी देता रहूंगा। तो क्या होता है, इनकम एक्रू और अराइज। इनकम एक्रू कहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है, अराइज कहाँ से हो रही है, यहाँ से, क्लियर। दूसरा, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, बाकी कोई भी दूसरी कंट्री हो, ठीक है। पहला होता है इनकम का एक्रू होना, दूसरा होता है कि हमें पता है हमें इनकम होगी बट वो अभी मिलेगी नहीं, वो कहलाती है डीम टू एक्रू और अराइज, क्लियर। याद रखना इनकम कहाँ से अर्न हो रही है, क्लियर है, वो हमें देखना है, इनकम एक्रू और अराइज, ठीक है, इनकम का, ठीक है, मिलना या फिर मिल जाना, जैसे सब्सिडाइज मिल गया तो वो वाला केस है, इनकम एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू इन इंडिया, ठीक है। दूसरा केस था इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव्ड, ठीक है, इनकम का मिलना या उसे मान लेना कि मिल गया, ठीक है, वो इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव इंडिया कहलाता है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया। इसके बाद इनकम, ठीक है, कि कोई मेरा बिजनेस इन इंडिया के अंदर है तो उस केस के अंदर मैं हूं दूसरी कंट्री का, ठीक है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इनकम भी मुझे कहां से एक्रू हो रही है, इंडिया के जरिए हो रही है क्योंकि मेरा बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है, क्लियर। और एनी अदर इनकम, मैं अमेरिका में जॉब करता हूँ, क्लियर, मैं अमेरिका में जॉब करता हूँ और मेरा एम्प्लॉय भी अमेरिका में है, मेरी ना फैमिली भी इंडिया में नहीं रहती, क्लियर। अगर मैं इंडियन का रेजिडेंस होऊंगा तो मुझे आरओआर होगा तो मुझे पहले केस में टैक्स लगेगा, बाकी एनओआर के और एनआर के केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये एक जो चार्ट ये आपको बताता है किन किन केस में आपका टैक्स चार्ज होगा, किन किन केस में टैक्स चार्ज नहीं होगा। आपको पता है कि मैंने आपको पहले सेशन से बताया कि टैक्स इंडिया में जो है सिटीजन बेसिस पर नहीं लगता, सिटीजनशिप बेसिस पर नहीं लगता, वो रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर लगता है, चाहे वो अमेरिका का नागरिक हो या इंडिया का नागरिक हो। अगर वो आरओआर के अंदर आएगा तो वो सभी केसेस में टैक्स पे करेगा, चाहे वो एनी अदर इनकम हो। तो आप कह सकते हैं आरओआर की वर्ल्ड वाइड जितनी भी इनकम होती है वो सारी टैक्सेबल होती है, एनआर की सारी जो इनकम है वो तीन केसेस में क्या होती है, टैक्स चार्ज होती है, जबकि एनआर की इनकम दो केसेस में चार्ज होती है, बाकी दो केसेस में टैक्स चार्ज नहीं होती। अगर आज आपने ये कवर कर लिया स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में आने वाली जो छोटे छोटे डिस्प्यूट है वो आपके आज ही खत्म हो जाएंगे, क्लियर है। ये कहलाता है इनकम, ठीक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर आपको इनकम इंडिया से कोई भी इनकम अराइज होगी, ठीक है, एक्रू या अराइज होना, वो किसके अंदर आएगी, इन इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर टैक्स लग जाएगा। आप खेती इंडिया से कर रहे हो और खेती वहां से आपको इनकम होती है, तो इनकम कहाँ से अराइज हो रही है, इंडिया से हो रही है। आपका कमीशन का काम है, ठीक है, आप अमेरिका में पैसे देते हो लेकिन कमीशन कहाँ मिलता है, इंडिया से मिलता है, ठीक है। आपने लोन अमेरिका में दिया है और इंडिया में उसे लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी सब इसी के अंदर कवर होगी, क्लियर है। ये आपका होता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये टॉपिक खत्म हो गया आपका। अब हमें सीखना है आरओआर क्या होता है, आर एनओआर क्या होता है और एनआर क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक एक करके सीखेंगे। अब हमें सीखना है सेक्शन 6, जिसे हम लोग बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, जिसे हम अभी बहुत देर से आर ओ आर कर रहे थे, आर एन ओ आर कर रहे थे या फिर एन आर कर रहे थे, तो इस केस के अंदर आज अपने इस सेक्शन में हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में जानेंगे। आपको बस एक एक करके मैं बताऊंगा इंडिविजुअल की क्या क्या कंडीशन है, ठीक है, एचयूएफ की क्या कंडीशन है, फर्म की क्या है, एओपी की क्या है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस करने के लिए आपकी दो बेसिक कंडीशनों का होना पूरी है जरूरी है। मैंने रेजिडेंशियल स्टेटस को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा नॉट रेजिडेंट रेजिडेंशियल, ठीक है। पहला वो रेजिडेंस है
या नहीं है, दूसरा नहीं। सर अभी तक तो आप ROR कर रहे थे, NOR कर रहे थे या NR कर रहे थे, बट यहाँ तो आपने क्या कर दिया, रेजिडेंशियल स्टेटस और नॉट रेजिडेंशियल स्टेटस। क्यों सर? बस अभी आप 2 मिनट वेट कीजिए, आपको सब क्लियर हो जाए। रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर आप ये दो कंडीशन पूरी कर लोगे तो आप बन जाओगे R, ठीक है, ROR, रेजिडेंशियल, ठीक है, रेजिडेंस, ऑर्डिनरी रेजिडेंस। अगर आप ये दोनों कंडीशन को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप बन जाएंगे NR, ठीक है, नॉट इंडियन रेजिडेंस। क्लियर? हाँ जी। पहला लिखा है कि फर्स्ट, ठीक है, 182 डेज और मोर इन लास्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है, इसे हम रेलिवेंट प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। अगर आपने पिछले साल में 182 दिन या 182 डेज इंडिया में स्टे करा है तो आप रेजिडेंस स्टेटस में आ जाएंगे। क्लियर है? दूसरी कंडीशन, अगर आपने लास्ट या रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा रहें, कितने 60 दिन से ज्यादा आप रहें, कितने दिन से ज्यादा रहें आप, 60 दिन से ज्यादा आप रहें, ठीक है, और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तब भी आप क्या बन जाएंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाएंगे। जो ये 182 अगर 182 डेज की आप कंडीशन पूरी कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक रेजिडेंशियल स्टेटस में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी जो ये कंडीशन है 60 डेज वाली, अगर आप सेकंड कंडीशन में आते हो 60 डेज और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो आपको कुछ और कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। पहली कि आप जो लास्ट प्रीवियस ईयर गया है, सपोज करो आप, मैं बात कर रहा हूं आपसे 18-19 की, बैठा 19 चल रहा है, मैं तो फिर 17 की बात करूंगा। अगर 17 और 18 में आपने 60 दिन से ज्यादा रहे, ठीक है, तो उसके बाद 60 दिन के बाद आपको कुछ कंडीशन और पूरी करनी। 60 कंडीशन के बाद क्या होता है, उसके बाद होता है रेलिवेंट फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। क्या इसके बाद, ये पहली कंडीशन, तो इससे मतलब कि जो ईयर है उससे पहले आपको 60 दिन रहना है, उसके साथ साथ जो आपके 4 ईयर आएंगे, कितने 4 ईयर आएंगे, जो क्या आएंगे, जो लास्ट 4 ईयर आएंगे, ये पहला 1, 2, 3, 4, इन 4 साल का टोटल 365 दिन होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 365 दिन होना चाहिए, कितना, 365 दिन। अगर आप ये दोनों कंडीशन को पूरा कर लेते हो तो आप बन जाओगे रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर, आप आ जाओगे, इसे हम लोग ROR बोल सकते हैं, बोल सकते हैं खाली। क्या पहली कंडीशन, अगर आप लास्ट ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहे हैं तो आप किसके अंदर आओगे, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाओगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि सर मैं 182 दिन नहीं रहा, तो फिर हम एक और कंडीशन चेक करें, क्या आप लास्ट ईयर में 60 दिन से ज्यादा रहें। अगर आप 60 दिन से ज्यादा रहें तो फिर हम लोग और 4 कंडीशन चेक करेंगे। वो 4 कंडीशन कौन सी है, मतलब फिर हम चेक करेंगे, अगर आपने कहा हाँ सर हम लास्ट ईयर में 60 दिन से ज्यादा रह गए, फिर हम आपको देखेंगे कि तो आपका 4 साल का टोटल है, लास्ट 4 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका सम 365 है, तब आप किसके अंदर आ जाओगे, तब आप ROR के अंदर, रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाओगे। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको 2 कंडीशनों में से एक कंडीशन का कोई पूरा करना है। पहली, अगर आप 182 दिन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाओगे। लेकिन अगर आप 182 दिन नहीं रहे, ठीक है, या 60 या 60 से ज्यादा रहे और 182 दिन से कम रहे, तो आपको एक कंडीशन और पूरी करनी है। वो क्या करनी है, जो आपका इमिडिएटली लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर होंगे उन सभी का आपको टोटल चेक करना है, उन सभी का टोटल 365 आ गया तो आप रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के अंदर आ जाओगे। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, ये हो जाएगा। अगर आप ये दोनों दोनों में से एक कंडीशन को पूरा कर लेंगे, उसके बाद हमें कुछ एडिशनल कंडीशनों को पूरा करना है। अगर हम दोनों ये एडिशनल कंडीशन पूरा कर लेंगे तो हमें यहाँ ROR मिल जाएगा, अदरवाइज NOR मिलेगा। क्लियर है? इसको आप ये नहीं मानेंगे कि मैं यहाँ पर एक कंडीशन पूरी होगी तो हम ROR में आ जाएंगे, नहीं, ये एक कंडीशन पूरी होगी तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाएंगे।
क्लियर। इसके बाद हमें दूसरी कंडीशन को पूरा करना भी जरूरी है, इसे हम एडिशनल कंडीशन ही बोलते हैं। क्लियर। इसके अंदर दोनों में से एक कंडीशनों को पूरा होना जरूरी था, इसके अंदर आपका दोनों कंडीशनों को पूरा होना जरूरी। जहां भी आपको एंड वर्ड मिल जाए या एंड वर्ड मिले, इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड, दोनों चीजों का होना कंपलसरी है। अभी दूसरी कंडीशन है क्या, या और कंडीशन क्या है? ठीक है, उसने बोला जब आपकी इनमें से एक कंडीशन मिल जाती है तो हम आपको चेक करेंगे कि आप आर ओ आर ओ या फिर एन आर एन ओ आर ओ। क्लियर। आर ओ आर होने के लिए जो आपका लास्ट 7 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसका टोटल 730 दिन आ जाएगा, तो आप क्या बन जाएंगे? आर ओ आर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आर ओ आर। क्लियर। नहीं सर, इसमें आपने एंड बोला है, आपका लास्ट रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आपका टोटल 730 दिन होना चाहिए, और उसके बाद दूसरी कंडीशन कहता है कि 2 ईयर आपको, मतलब 2 साल आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आप होने चाहिए। किसके अंदर होने चाहिए? रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आई होनी चाहिए 10 साल के अंदर। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। उससे बोला ये तो आपका 4 साल हो गया। क्लियर है, 4 साल हो गया। इसके बाद उसने क्या बोला है? उसके बाद उसने बोला कि लास्ट 7 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इसके बाद आप बोल सकते हो यहां से 7 साल, 7 साल जो आपका 7 ईयर आएगा, इस 7 ईयर में, जो 7 ईयर है, इन 7 ईयर को जोड़ने के बाद अगर वो 730 दिन इंडिया में रहा है, पहली कंडीशन ये है। क्या है ये? पहली कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन है, वो 730 दिन रहा है। ठीक है, उसके बाद वो फिर एक और चीज चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कि वो लास्ट 10 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में 10 सालों में क्या उसको 2 बार रेजिडेंशियल स्टेटस मिला है या नहीं मिला है। अगर उसे मिला है स्टेटस, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आर ओ आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर ओ आर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? आर ओ आर, अदरवाइज वो आर एन ओ आर कहलाएगा। क्लियर है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी? अगर आप इंडिविजुअल हैं तो हमें 2 कंडीशन चेक करनी है, कि आप लास्ट ईयर 182 दिन से ज्यादा रहे हैं या नहीं। अगर आप रहे तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के अंदर लाया जाएगा। उसके बाद हम ये चेक करेंगे क्या आपने 2 एडिशनल कंडीशन पूरी की, उसमें से पहली कंडीशन है क्या आप लास्ट 7 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 730 दिन रहे या नहीं। अगर आप लास्ट 7 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 730 दिन से ज्यादा रहे तो हमारी एक कंडीशन पूरी होगी। फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे कि लास्ट 10 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में आपको 2 बार किसका? रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आप आए हो, मतलब यहाँ के नागरिक बने हो, तो आपको ये मान लिया जाएगा कि आप आर ओ आर कैटेगरी के अंदर आते हैं। अदरवाइज इनमें से अगर एक भी कंडीशन आप पूरी नहीं कर पाएंगे तो आप आर एन ओ आर बन जाएंगे। ये तो होगी 182 डेज की। अगर आप कहते हैं कि सर मैं लास्ट ईयर में 160 दिन, 182 दिन से ज्यादा नहीं रहा हूं, तो फिर हम दूसरी कंडीशन पूछेंगे कि आप लास्ट ईयर में 60 दिन से ज्यादा था। उसने कहा सर हाँ, लास्ट दिन में 65 डेज इंडिया में रहा, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि उसके बाद जो 7 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में, क्या उनके अंदर आप 730 दिन रहे। हाँ, अगर आप उनके अंदर 730 दिन रहे तो एक कंडीशन पूरी हो जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद 7 के बाद हम देखेंगे 10 साल, मतलब वहीं से रेलिवेंट जो प्रीवियस ईयर है उसके 10 साल काउंट करेंगे। अगर वो 10 साल के अंदर आप 2 बार भी रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आए होगे तो हम आपको आर ओ आर मान लेंगे, अदरवाइज आप क्या बन जाओगे? आर एन ओ आर बन जाओगे। क्लियर है, ये ऐसे डिसाइड होता है कि आप आर ओ आर हो, आर एन ओ आर हो, या फिर एन आर ओ। क्लियर है, ये बेसिकली एक ही पर्सन के लिए था, इंडिविजुअल के लिए। अगर आपने इंडिविजुअल को सीख लिया तो आने वाली सभी प्रॉब्लमें खत्म होंगी। उसके बाद होता है एच यू एफ। एच यू एफ सभी जानते हैं, हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या बोलते हैं हम इसे?
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके अंदर भी वही बेसिक कंडीशन है, पहले रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा नॉट रेजिडेंशियल। बेसिक कंडीशन, इफ 100% और पार्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ एचयूएफ आर और आर कंट्रोल और मैनेज इन इंडिया, यू आर रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, अगर आपका 100% या थोड़ा सा भी काम इंडिया से कंट्रोल होता है तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाओगे। किसके अंदर आ जाओगे? रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाओगे। क्लियर है? ये आपको याद रखना है कि अगर आपका थोड़ा या 100% बिजनेस मेंटेन होता है इंडिया से, ठीक है, तो आप किसके अंदर आ जाओगे? तो आप रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाओगे। अगर आपका थोड़ा भी काम या 100% वर्क भी इंडिया से कंट्रोल नहीं होता तो आप नॉन रेजिडेंट कैटेगरी के अंदर आ जाओगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन, वही एडिशनल कंडीशन, ठीक है, ऑन कर्ता, स्पेशल कर्ता के लिए होगी, उसके मेंबर के लिए नहीं होगी, जो उस कंपनी के एचयूएफ होगा उसके ऊपर। और फिर वो देखेगा कि वो लास्ट 7 ईयर में 730 दिन रहा है या नहीं। उसके बाद फिर वो सेकंड कंडीशन यही चेक करेगा, क्या वो लास्ट 10 प्रीवियस ईयर के अंदर या रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर उसे 2 बार रेजिडेंशियल स्टेटस मिला है या नहीं मिला। अगर उसे मिला होगा तो वो आरओआर के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज वो आरएनओआर। देख लीजिए, आपने एक एडिशनल कंडीशन सीख ली तो बाकी जितनी कंडीशन थी वो आपके लिए बहुत इजी होगी। क्लियर है? ये आपकी एचयूएफ की क्लास, दोबारा समझाता हूँ, एचयूएफ की कैटेगरी कहलाती है कि अगर एचयूएफ कोई बिजनेस कर रहा है और उसका बिजनेस का कुछ भी पार्ट या 100% बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाएगा। अगर उसका थोड़ा या 100% भी वर्क इंडिया से कंट्रोल नहीं होता, क्या नहीं होता, इंडिया से कंट्रोल नहीं होता, तो किसके अंदर आ जाएगा? नॉट रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आएगा तो हम ये फर्दर चेक करेंगे वो आरओआर है या आरएनओआर है। आरओआर होने के लिए लास्ट 7 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसको 730 दिन से ज्यादा रहना जरूरी है और 2 बार उसको 10 सालों में रेजिडेंशियल स्टेटस सिर्फ मिली हो। अगर मिली है तो वो आर ओ आर है, अदरवाइज वो आर एन ओ आर कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है फर्म, एओपी, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसके बाद लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके अंदर एक कंडीशन है, क्या कंडीशन? ये सेम कंडीशन वही है एचयूएफ वाली, लिखा इफ 100% और पार्ट ऑफ द अफेयर ऑफ एचयूएफ, ठीक है, और आर कंट्रोल और मैनेज इन इंडिया, यू आर रेजिडेंशियल इन इंडिया, ठीक है, रेजिडेंस इन इंडिया। लिखा हुआ है कि आपका 100% या थोड़ा सा भी काम इंडिया से कंट्रोल होता है तो आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के अंदर आ जाओगे। अगर आपका थोड़ा या 100% वर्क इंडिया से कंट्रोल नहीं होता तो आप नॉट रेलिवेंट, नॉट रेजिडेंशियलशिप के अंदर आ जाओगे। क्लियर है? तो याद रखना, आपने एक कंडीशन सीख ली है, बाकी कंडीशन तो कॉपी पेस्ट हो रही है। फर्म के केस में भी यही है, ओ एओपी के अंदर भी यही है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर भी यही है, लोकल अथॉरिटी के अंदर भी यही है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर भी यही है। बस सर, अभी कितनी हो गए? हमने इंडिविजुअल सीख लिया, एचओएफ सीख लिया, फर्म सीख लिया, एओपी सीख लिया, बीओआई सीख लिया, लोकल अथॉरिटी सीख लिया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सीख लिया। सर, सबका टोटल कहे तो 6 हो गया। बस अब हमें एक और सीखना है जिसे हम बोलेंगे कंपनी। क्या बोलते हैं जिसे हम लोग? अब कंपनी रह गया, ठीक है, कंपनी। कंपनी के लिए थोड़ा सा इजी है, इसको बोलते हैं कंपनी के लिए हमें ये चेक करना है रेजिडेंशियल स्टेटस। पहला, इफ कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया, अगर कोई कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है तो हमें कुछ भी नहीं देखना, वो क्या बन जाएगी? रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के अंदर आ जाएगी, उसे हम लोग आर ओ आर बोल देंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब वो चाहे इनकम एक्ट 2013 के अंदर हो या फिर इनकम कंपनी एक्ट 1956 के हिसाब से रजिस्टर्ड हो, किसी भी केस के अंदर वो रजिस्टर्ड होती है या रजिस्ट्रेशन करा रखा होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिडेंशियल, जिसे या आर ओ आर भी बोलते हैं। अगर वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका
पोयम इन इंडिया है, क्या है, बट उसका पोयम इन इंडिया है तो हम उसे मान लेंगे वो इंडिया में रेजिडेंस है। पोयम क्या होता है, जिसे हम पोयम को बोलते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टेड मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टेड मैनेजमेंट। ये क्या होता है इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो हम उसे ROR बोलते हैं, अगर वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है तो हम ये चेक करेंगे क्या उसका पोयम इंडिया में है या नहीं, जिसे हम प्लेस ऑफ इफेक्टेड मैनेजमेंट भी बोलते हैं। दूसरे केस में नॉट रेजिडेंट में, इफ पोयम इज नॉट इन इंडिया तो वो क्या कहलाएगी, नॉट रेजिडेंशियल स्टेटस। क्लियर है, इसके अंदर बस खाली हमें ROR और चेक करना होता है। क्लियर, ROR होता है और NR होता है इसके अंदर, और बाकी कोई चीज नहीं होती। बस पहले केस और दूसरे केस में हमें चेक करना होता है कि वो ROR है, NOR है, ठीक है, बाकी फर्म AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर ये चीजें हमें ध्यान नहीं रखना होता। क्लियर है, फिफ्थ आपका। आज आपका मैंने सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कवर करा दिया है। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं पूरा सेशन दोबारा से। आज हमने सेक्शन 5 कवर किया, जिसमें हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में डिस्कस किया कि अगर हमें पता करना है कोई अमेरिका का बंदा इंडिया में आकर काम करता है क्या उस पर टैक्स चार्ज होगा या नहीं, या इंडिया का पर्सन अमेरिका में जाके जॉब करता है उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा या नहीं, उन चीजों को करने के लिए हमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम सीखनी होती है। इसमें दो पार्ट था, पहले कहा था कि कोई भी इनकम इंडिया से जनरेट होती है, ठीक है, जनरेट हो गई या जनरेट होने वाली है, वो सब किसके अंदर कवर की जाती है, वो कवर की जाती है इनकम एक्रू और अराइज और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। तीनों केसेस में टैक्स चार्ज हो जाएगा, चाहे पर्सन ROR हो, चाहे पर्सन NOR हो या फिर NR हो। इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव, इसमें भी तीनों केस में टैक्स चार्ज हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करा था। उसके बाद था आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर आपका कोई बिजनेस, आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं लेकिन आपका बिजनेस इंडिया के अंदर होता है, प्रोफेशन आपका इंडिया के अंदर है, तो पहले दो केसेस में टैक्स चार्ज हो जाएगा, NR के केस में टैक्स चार्ज नहीं हो, और बाकी एनी अदर इनकम में पहले में टैक्स चार्ज है, बाकी दो टैक्स में चार्ज नहीं है, ठीक है। ROR केस में तो टैक्स वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स चार्ज होता है, जबकि NR के केस में, NOR के केस में पहले तीन कंडीशन पे टैक्स चार्ज होता है, लास्ट कंडीशन पे टैक्स चार्ज नहीं होता, और NR की कंडीशन में पहली दो कंडीशन में टैक्स चार्ज होता है, बाकी किसी भी कंडीशन में टैक्स चार्ज नहीं होता, बाकी दो जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया उसमें टैक्स चार्ज नहीं होता। यहाँ पर लिखा है ना, बिजनेस इज कंट्रोल ऑफ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी इनकम आएगी, PGBP की आएगी, PGBP की इनकम आएगी, और बाकी सब किसके अंदर कवर किया जाएगा, बाकी सब कवर किया जाएगा जैसे सैलरी, बाकी सब सैलरी, इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, और लास्ट आपका होता है अदर सोर्स ऑफ इनकम। क्लियर, याद रखना ये जो लिखा है ना, बिजनेस इज कंट्रोल प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इसके अंदर PGBP की बात कर रहा है ओनली, जो एनी अदर इनकम है ना इसके अंदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर, क्या इसके अंदर PGBP की बात नहीं कर रहा? हाँ, PGBP की भी बात कर रहा है, PGBP, ठीक है, जिसे हम प्रॉफिट, ठीक है ना, हो गया इसको एक गलती होगी, ठीक है, समझ आ गया, ये आपका है। इसके अंदर जो ये आया ना PGBP, ये कवर किसके अंदर होगा, एनी अदर इनकम, अगर कोई बिजनेस आउटसाइड इंडिया है उसका इंडिया से कोई मतलब नहीं, वो उसके अंदर कवर होता है, PGBP के अंदर कवर होता है। क्लियर है, ये हमारा सेक्शन 5 था। इसके बाद हमने सेक्शन 6 को डिस्कस करा, जिसके अंदर हमने रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताया कि हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो इंडिया में रेजिडेंस है या नहीं, तो उसके लिए हमने इंडिविजुअल की कंडीशन सीखी कि लास्ट ईयर में अगर वो 182 दिन से ज्यादा रहा है तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाएगा, अगर वो पहली कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता तो फिर हम लोग सेकेंड कंडीशन को चेक करते हैं, क्या वो लास्ट प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा रहा है या नहीं, अगर वो रहा है तो उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि 4 साल में, ठीक है, रेलिवेंट 4 प्रीसीडिंग ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में वो 365 दिन रहा है या नहीं, अगर 365 दिन रहा है, पहली कंडीशन तो उसने 60 दिन की पूरी कर ली, उसके बाद उसने लास्ट 4 ईयर में 365 दिन रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि
कि वो क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ गया। उसके बाद हम ये चेकिंग करेंगे वो आर ओ आर है या एन ओ आर है। अगर उसने 730 कंडीशन लास्ट 730 मतलब लास्ट 7 रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में उसका टोटल 730 दिन से ज्यादा है तो वो आर ओ आर के केस में आ जाएगा। ठीक है, आर ओ आर में आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन को पूरा करना उसको बहुत जरूरी है। क्या दूसरी कंडीशन है? वो लास्ट 10 साल में 2 बार उसे रेजिडेंशियल स्टेटसशिप मिली हो। ठीक है, 7 साल का जो टोटल है वो 730 दिन होना चाहिए और 10 साल में उसको 2 बार रेजिडेंशियल स्टेटसशिप मिली हो तो वो किसके अंदर कवर हो जाएगा? वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे हमने एचयूएफ चेक करा था, बाकी हमने यहाँ पर फर्म एओपी वीओआई लोकल अथॉरिटी हमने ये सब डिस्कशन कर लिया। क्लियर है? आज हमारा सेक्शन 6 और सेक्शन 5 कवर हो गया।